खबर आ रही ग्वालियर से, जहां शराब माफिया पर कार्रवाई हुई है। केरुआ कंजर चक में पुलिस की दबिश है, जहां गुड़ लहान सहित कच्ची शराब भी जब्त की गई है। पुलिस ने मौके पर नष्ट किया लाखों का माल। पुलिस को देख कंजर मौके से फरार हो गए हैं। जी आपको बता दें, खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां पुलिस की शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 7 लाख रुपए का माल नष्ट कर दिया है और मौके पर फरार हो गए हैं। जी आपको बता दें, हमारे साथ आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभागीय हेड ग्वालियर से इमरान खान। बताए इमरान, क्या है पूरा मामला, कितने बजे की घटना है और क्या चल रहा है वहां पर माहौल, कितने लोग इसमें शामिल है? बिल्कुल, देखिए प्रियांशी, मैं आपको बता दूं कि आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो अवैध शराब हो या फिर अवैध मादक पदार्थ हो, अवैध हथियार हो या अवैध शराब की खरीद फरोख करने वाले, उनके खिलाफ लगातार पुलिस का अभियान जारी है। और अभियान के दौरान कहीं ना कहीं पितरवा डबरा जो क्षेत्र है, ग्वालियर चंबल संभाग जो क्षेत्र है, वो बड़ा मात्रा में यहाँ पर हाथ पट्टी देसी शराब का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ की शराब को मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3-4 प्रदेशों में जाती है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सस्ती शराब पड़ती है। और शराब सस्ती पड़ने के बाद चुनाव में सबसे ज्यादा खपत इसकी होती है। इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक जो धर्मवीर सिंह यादव, उन्होंने निर्देश दिया है कि जिस तरीके से अवैध शराब का जहां कारोबार हो रहा है, उस पर कार्रवाई करें। इसके चलते आज भितरवार पुलिस ने SDOP जितेंद्र नागाइच, थाना प्रभारी अतुल सिंह सोलंकी सहित पूरे अनुभाग पे, बल्कि साथ भितरवार अनुभाग के केरुआ चक पर जो कंजरों का बड़ी मात्रा में यहाँ पर अवैध आग बट्टी देसी शराब बनाई जाती है, और यहाँ की शराब जैसे मैंने बताया कई प्रदेशों में जाती है, तो उस पर मुखबिर की सूचना पर वहाँ पर पहुंचे और वहाँ से अवैध शराब के लाखों रुपए का कहीं ना कहीं गुड़ लहान नष्ट किया गया और मौके से 400 लीटर शराब जब्त की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन के पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए जो पुलिस पहुंचे, उससे पहले ही जो कंजर थे वो भाग खड़े होते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि शराब माफियाओं के खिलाफ जब भी कार्रवाई करने पुलिस जाती है तो शराब तो नष्ट कर दी जाती है और जो बनाने का सामान भी नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि पुलिस का ही कहीं जाते हैं सूचना तंत्र इतना लीक हो जाता है कि वो कार्रवाई करने से पहले उन माफियाओं को, शराब माफियाओं को खबर पहुंच जाती है और उससे पहले वो भाग खड़े होते हैं। लेकिन जो शराब है या फिर जो बनाने की सामग्री है, उसको पुलिस पकड़कर हर बार ले आती है, और हर बार फिर जैसे ही वो दोबारा से फिर से वो चालू हो जाता है शराब का काम, जिससे कहीं ना कहीं पूर्णतः विराम शराब पर, अवैध हाथ पट्टी रही शराब पर नहीं लग पा रहा। और इससे कई जहरीली शराब पाए जाने के बाद भी कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, उसके बाद प्रशासन इसको पूर्ण तरीके से बंद कराने में असफल साबित हो रहा है। प्रियांशी जी, जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है इमरान, जब से आचार संहिता लगी है, सख्त पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत सख्त हो गई है, तो शराब माफिया पर क्या कार्रवाई कर रही है, कहां से ये वहां नष्ट करने की जो स्थिति बनी हुई है वो कहां से कहां तक उसके तार जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए प्रियांशी जी, शराब का जो बड़ा कारोबार है, अवैध देसी अगरबत्ती जहरीली शराब कहीं ना कहीं ग्वालियर ग्रामीण की अगर बात करूँ तो ग्वालियर ग्रामीण में सबसे बड़ी मात्रा में बनाई जाती है। मैंने पूर्व में भी बताया कि यहाँ की जो शराब है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी उसकी सप्लाई की जाती है, और सप्लाई करने के बाद क्योंकि जो शराब जो बनाई जाती है वो बहुत सस्ती शराब पड़ती है, सस्ती शराब पड़ने के बाद चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव, उन चुनावों में जो प्रत्याशियों को सबसे सस्ती दारू सप्लाई करने के ये पड़ती है, तो ये बड़ी मात्रा में और यहाँ पर बनने की तैयारियां चलती हैं। जैसे कि पूर्व में 12 मासी शराब बनाई जाती, कंजरों का जो धंधा है वो कहीं ना कहीं ये शराब बनाने का है, और इसके अलावा उनका कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। लेकिन चुनाव के टाइम पे वो बड़ी मात्रा में कई मात्रा की कई तादाद वो बढ़ा देते हैं और उससे लगातार शराब और बनती रहती है। हालांकि इसको पीने से पहले कई लोगों की मौत मुरैना में और कई मध्य प्रदेश में और जगह भी देखने को मिली थी, लेकिन सवाल हर बार प्रशासन पे खड़ा होता है कि प्रशासन को पता है कि शराब बनाने का कारखाना यहाँ पर संचालित हो रहा है, उसके बाद में सामग्री नष्ट कर दी जाती है, वहाँ पर जो गुड़ लाना है उसको नष्ट किया जाता है, जो मौके पर शराब मिलती है उसको वहाँ से बरामद कर ली जाती है। लेकिन शराब माफियाओं की गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती है, क्योंकि शराब माफिया का सूचना तंत्र इतना नजदीक है, तंत्र इतना लीक हो जाता है पुलिस का, कार्रवाई करने से पहले ही कंजरों तक की खबर पहुंच जाती, कार्रवाई के लिए पुलिस की टीम आ रही है। तो अब इस शराब पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है, नए पुलिस अधीक्षक ने कमान संभाली है ग्वालियर की, अब वो किस तरीके से शराब माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं, पर इसी तरीके से कार्रवाइयां होती रहेंगी और अंचल में इसी तरीके से शराब माफिया अपनी शराब बनाते रहेंगे और बेचते रहेंगे, कार्रवाई चलती रहेंगी। जी इमरान, इतने समय से वहाँ शराब का कारखाना संचालित हो रहा है, तो क्या अभी तक इसको किसी की सूचना नहीं मिली?
बिल्कुल देखिए प्रेम जी, मैंने बताया कि कारखाने जहां तक संचालित हो रहे हैं, पुलिस को पूर्ण तरीके से पता है कि शराब बनाने का कारोबार यहां पर संचालित होता है। और वहां पर इतना ही नहीं, वहां पर पुलिस आम, जैसे कि पुलिस आम दिनों में भी जाती है और वैसे भी जाती है, तो पुलिस को ये पता है कि इस जगह पर शराब बनाई जा रही है और शराब यहाँ पर बनती है। लेकिन पुलिस कार्रवाई करने जब जाती है, जब उस समय वहां पर कोई भी आरोपी वहां पर नहीं मिलता है, और ये लगातार पहले भी कई बार करोड़ों रुपए की शराब पहले भी नष्ट की गई है, और उससे पहले जब भी चुनाव आते जब भी कार्रवाइयां होती हैं, और नॉर्मली भी कार्रवाइयां भी होती है, आबकारी विभाग भी कार्रवाई करने के लिए जाता है, वो भी कार्रवाई करता है, लेकिन उसके बाद पूर्ण तरीके से इस धंधे पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? आखिरकार पुलिस या प्रशासन या फिर जो भी प्रशासन क्या कर रहे हैं, उनकी मजबूरी क्या है कि वो पूर्ण तरीके से उस कारखाने को बंद नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आखिरकार पनपने दे रहे हैं अपने क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार? और पुलिस को पता होने के बाद भी लगातार संचालित हो रहा है, कार्रवाइयां होती है, लेकिन कम समय में शराब, कम कीमत में शराब बनने का सामग्री वो फिर से उपलब्ध हो जाती है, फिर से वही कारखाना फिर से चालू हो जाता है। तो सवाल पुलिस पर ही खड़े होते हैं, और पुलिस ही कार्रवाई करती है, पुलिस ही कहीं ना कहीं शराब बिकवाने का काम करती है, बनवाने का काम भी पुलिस ही कर रही है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया इमरान जी। हाँ बता दें, खबर ग्वालियर से आ रही है जहां शराब माफिया पर कार्रवाई जारी है। केरुआ कंजर चक में पुलिस ने दबिश दी है, गुड़ लहान सहित कच्ची शराब जब्त की गई है। आपको बता दें पुलिस ने मौके पर नष्ट किया लाखों का माल, पुलिस को देख कंजर मौके से फरार हो गए हैं।